साहब हम ग्रामीण कब तक ऐसे ही कीचड़ में रहने को रहेंगे मजबूर, कब मिलेगी समस्या से निजात। गढ़कुंडार के सूर्य का खिरक मोहल्ला में सड़क पर जमा रहता है पानी, लोगों को होती है परेशानी। देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री लाख कोशिश करके स्वच्छ भारत मिशन चला ले, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहां थोड़ी सी ही बारिश में सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाले गढ़कुंडार ग्राम पंचायत के सूर्य के खिरक से सामने आया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार 15 वर्षों से यह समस्या बनी हुई है। वहीं भारी वाहन निकलने के बाद कई लोगों के घरों में पानी भर जाता है, तो कई लोग पानी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। वहीं दोपहिया चार पहिया वाहन चालकों ने अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आए दिन लोगों को परेशानी होती रहती है। स्थानीय निवासी मलखान कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, जसोदा कुशवाहा ने बताया कि यह समस्या करीब 15 साल से लगातार हो रही है। यहाँ से गुजरने वाले दोपहिया चार पहिया वाहन सहित सड़क किनारे रहने वाले लोगों को बनी रहती हैं समस्याएं, जिससे आए दिन छोटी मोटी घटनाएं होती हैं और प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। इस समस्या से निजात दिलाना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपके यहाँ? पानी भरता है, वाहन करते हैं तो अंदर पानी आता है। कितने दिनों से यह समस्या बनी हुई है? ये है कम से कम आज 10 साल से। आप लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं यहाँ पर कोई नाली वगैरह हो जाए और पानी यहाँ से खत्म हो जाए तो हम लोग बढ़िया अच्छा चाहते हैं। यहाँ पर अगर कोई भारी वाहन आ जाता है तो पानी कहाँ तक पहुँच जाता है? पानी दो अंदर पहुँच जाता, घर के अंदर। यहाँ पर मच्छर भी जन्म ले रहे होंगे? मच्छर लेते हैं जन्म, के मच्छर के बैठ नहीं पाते शाम के बाद। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार कुशवाहा। यहाँ पर क्या समस्या है आपके? पानी भर रहा है यहाँ पर गड्ढा। कितने दिन से पानी भर रहा है? 15 सालों से। आखिर आज तक पानी की निकासी नहीं, कैसे लोग कर पाते हैं? यहाँ उसी पानी में निकलते हैं सब।